वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शह और मात, चेकमेट। सिग्नेचर पान मसाला, द टेस्ट ऑफ विक्ट्री। आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। मायन चौधरी, आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। सोलह श्रृंगार कर निकले नगर भ्रमण पर भगवान जगन्नाथ। श्री ग्वालियर मठ मोती नगर के तत्वावधान में गुरुवार को श्री श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा ढोल नगाड़े गाजे बाजों तथा संकीर्तन करते भक्तों के बीच। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले। देवी सुभद्रा, बलभद्र एवं भगवान जगन्नाथ जी को रत्नजड़ित पोशाक पहनाया गया था। भगवान जगन्नाथ जी सोलह श्रृंगार कर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। रथ यात्रा का शुभारंभ समिति के मठाध्यक्ष विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रभु को झूला झूलाते हैं, फिर चंदन कपूर मिश्रित जल छिड़क कर रथ समाचना करते हैं। पुरी की तर्ज पर अवध में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए तत्पर दिखा। रथ यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए सबसे आगे आयोजन समिति के झंडे पताके, ढोल नगाड़े तथा भगवान जगन्नाथ पर कई स्थानों पर फूलों की बारिश की गई। विवंत की थाप व घंटे घड़ियाल की लय पर झूमते भक्तों ने पूरे रास्ते जय जय जगन्नाथ स्वामी, हरि हरि बोल, राधे राधे, बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। राजस्थानी परिधान पहने लोक नृत्य के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य कर शोभायमान हो रहे थे। यह रथ यात्रा श्री ग्वालियर मठ मंदिर मोती नगर से ऐशबाग रोड, नाका हिंडोला, बासमुंडी चौराहा, लाटूश रोड, श्री राम रोड, अमीनाबाद रोड, गणेशगंज से नाका हिंडोला, आर्यानगर, मोती नगर चौराहा होते हुए वापस श्री ग्वालियर मठ मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। रथ यात्रा के समापन के बाद मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के साथ बलराम, बहन सुभद्रा की प्रतिमा स्थापित की गयी। श्री गौड़िया मठ मोती नगर से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ आज नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनकी आरती करके इनको पूरी के पारंपरिक रूप में हम लोग रथ को उनको विराजमान कराएंगे, और फिर उसके पश्चात यहाँ से मोती नगर से उसके ऐशबाग रोड, नाका हिंडोला, बासमंडी, लाटू रोड, श्री राम रोड, अमीनाबाद रोड होते हुए वापसी में आर्यानगर होते हुए मंदिर पर ही समाप्त। लखनऊ, मास्टर कन्हैयालाल रोड 66 सालों से लगातार जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। इस बार भी बड़ी धूमधाम के निकाली गई, जिसमें दिनेश शर्मा भी शामिल है। टीका इस गंज नेहरू की राशि नादान महल रोड बाबूलाल चौराहा होते हुए निकाली गई। एडीआई न्यूज लखनऊ। हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, जिसमें डिप्टी सीएम के घर के पास से डिप्टी सीएम होती उस रथ यात्रा में शामिल है, जिसमें डिप्टी सीएम, मेयर और भी बीजेपी के नेता और भी नेता लोग शामिल होते हैं, जिसमें हिंदू परंपरा के साथ मनाई जाती है ये रथ यात्रा। और ये मास्टर कन्हैयालाल लोग जन्म युवराज होते हुए बाबूलाल चौराहा होते हुए जाती है रथ यात्रा। एडीआई न्यूज, हिमांशु वर्मन, लखनऊ। और ये ऐशबाग का जो जगन्नाथ रथ यात्रा समिति है, हर साल कुछ नया करती है। यहाँ पर पूरे रास्ते शुरू करने का और आम का इसका प्रसाद होता हुआ चलता है, और आप भी में जाके इतना करती है ऐशबाग में इसका समापन होता है। वहाँ कई और रथ आते हैं, अलग अलग तो बड़े रथ है, कोई खराय पकड़ते हैं, भगवान का पूजा अर्चन के बाद ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। अगले दिन भी इसका कार्यक्रम होता है।